Hi everyone, welcome to the channel. I hope you guys are fine and doing good. One second, yeah, just let me check who all have joined and then we're going to start with the session. 1 minute. Hi people, welcome. Good evening. Kaise hain aap sab? I hope everyone is fine. Good evening, Vaibhavi. Hi Lakshita. Hi Khushi. Hi Sanya. Hi Mansi. Hi Aditi. Hi Pooja. Hi Vaishnavi. Hi Rishi Raj. Hi Ameshi. Long time, yeah. Hi Tanya, hi Niharika, hi Sahil, Mahi. Welcome to the class, everybody. I hope you guys are fine and doing good. Please make sure that you guys are calling everyone and asking everyone to join the session, and then we're going to start with it. सब लोगों को जल्दी से बुला लो, फिर उसके बाद हम करते हैं सेशन की स्टार्ट. आजकल ऐसा लग रहा है अभी तो क्लास खत्म हुई थी. अरे तुमको क्या, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि यार अभी तो क्लास खत्म हुई थी. थोड़ा बच्चों को भी बख्श देती हूँ मैं. हाय हाय आस्था, हाय सिमरन, गुड इवनिंग तन्वी, हाय पुनीत, हाय जैद कुरेशी, हाय पलक, आवाज देख रहे हो, हाय पलक, हाय. रेगुलरली ले रहा हूँ, अब मुझे टर्म 1 में 41-40 आएंगे. बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल. आई एम सो होपिंग द सेम. आई एम गुड भानु, हाउ अबाउट यू? हाय दीपिका. ओके गाइस, प्लीज आस्क एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन. सब लोगों को फटाफट से बुला लो, सबको बुला लो, सब लोगों को बोलो फटाफट से आ जाएं, और अब हम सेशन को करते हैं फटाफट से स्टार्ट. हाय खुशी, हाय अनीश, हेलो टू एवरीवन, हाय सौमी एंड एवरीबडी, वेलकम टू द क्लास. एंड प्लीज गाइस कॉल अप एवरीवन, आस्क एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन. आज पार्ट 3 है, ओके, एमसीक्यूज का आज पार्ट 3 होगा. सो दैट्स हाउ दैट वी गोइंग टू गो अबाउट इट. एंड आज आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट नाइट सेशन होगा, ओके. रात वाला जो सेशन है 10:30 से 12 वाला, वो लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद से तुम्हारी शायद सुबह 12 बजे वाली क्लासेस जो है दोपहर में, सिर्फ वही चलेंगी. जी फिर से एमसीक्यूज. अच्छा लेट मी जस्ट मैसेज ऑन द टेलीग्राम, एक बार टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देती हूँ, फिर उसके बाद करते हैं सेशन को स्टार्ट. ऑल राइट, एंड जस्ट लेट मी मैसेज इट ऑन द ग्रुप एज वेल. टेलीग्राम, चलिए. अच्छा तो आज जो है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि आज हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं. हाई टू एवरीबडी, टुडे वी आर गोइंग टू डू दी एमसीक्यूज. जस्ट अ मिनट. खुशी सारे भेजे हुए हैं ऑलरेडी बच्चा. चलो मैम कल से थोड़ा बख्श. पीपल आर सेइंग मैम कल से थोड़ा बख्श देना, अभी थोड़ी सी जान हम पे रहने दो. अभी इकोनॉमिक्स का पेपर है, फिर हिस्ट्री का पेपर भी आ जाएगा, कई कई बच्चों का तो हिंदी का पेपर भी आ जाएगा, तो बस थोड़ी सी जान रहने देना हम लोगों में. चलो बताओ फटाफट से. क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि वेट 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 हम लोग पहले से शुरू करेंगे, रुक जाओ. सो ये जो क्वेश्चन है मैम, इस सेशन के बाद, हाँ जी सो जाइएगा इस सेशन के बाद, बिल्कुल नींद लीजिए अपनी पूरी. एक्सॉर्शन रीजन है, उस पर आ जाइए फटाफट से. ओके एसर्शन रीजन हमने कल वाली क्लास में नहीं किया था, तो वो एसर्शन रीजन अब हम करेंगे. तो फटाफट से जो है जल्दी से ज्वाइन कर लो. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, वो ये कह रहा है कि कोल्ड वॉर वॉज बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ डेटरेंस, ओके, एंड इट मीन्स दैट बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट अदर एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर. बताइए गाइज, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन. एक मिनट दीजिए मुझे, लेट मी सी. एसर्शन रीजनिंग कर रहे हैं,
और आपको बताना है, आपको ऑप्शंस पता है ना, इफ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज द राइट आंसर, इफ ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज द राइट आंसर, इफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी, एंड इफ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू देन डी. ओके, सो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉट आर यू पीपल सेइंग? द कोल्ड वॉर वॉज बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इट मीन्स दैट बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट. इसका आंसर विल बी ए. ओके, क्यों? क्योंकि नीचे वाला स्टेटमेंट विच इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. करेक्ट. हाई सनी, वेलकम. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप टू अटोमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑगस्ट 1947, कॉजिंग जापान टू सरेंडर. रीजन इज सेइंग दैट वॉट एवर द मोटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ द टू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज. Hi Aman, hi UPSC lover, hi Yugam, welcome. Batao bhai, what is the correct answer? 84th ka answer dijiye please. 84th ka right answer will be, bachche keh rahe hain, A tumhari pitai laga dungi main bahut zor se. End of the Second World War led to the rise of the two superpowers. So iska answer will be C, because S reason is false over here. Agle sawal pe aao. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ. रीजन कह रहा है कि इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल वुड लिव टुगेदर विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस. बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. 85th क्वेश्चन का आंसर बता दो प्लीज. A is the right answer. 85th question का right answer will be A. Next question पे चलते हैं. Next question आपका कह रहा है कि India is emerging as a great power in the world due to its policies of liberalization and globalization. India has made regular financial contributions to United Nations and never faltered on its payment. Tell me what will be the correct answer, A or B? Hi Chetan, welcome. 86th question. The right answer to 86th question will be B. Okay, B होगा. क्यों? क्योंकि दोनों statements अपने अपने areas में true हैं. लेकिन स्टिल आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ऊपर हम इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं और नीचे इंडिया की यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक विच इज USSR केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917. रीजन कह रहा है कि द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. कम ऑन पीपल, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. 87th क्वेश्चन. व्हाट इज द राइट आंसर? यू पीपल आर सेइंग ए. यस, करेक्ट है. ए इज एब्सोल्युटली राइट. ऊपर बात हो रही है यूएसएसआर का, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का, और नीचे वाला स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर विल बी ए. सो लेट्स रिकॉल वंस मोर. 83rd का ए है, 84th का सी है, 85th का ए है, 86th का बी है और 87th का ए है. ठीक है, अब चलते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल पे. तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये कह रहा है कि जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का दैट इज टॉकिंग अबाउट कि इन अप्रैल 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स दैट डिक्लेयर्ड एन आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम. ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प द अदर. बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर.
In April 1949, NATO was an association of 12 states that declared any armed attack on any one of them in Europe and North America would be regarded as armed attack on all of them, and each state would be obliged to help each other. 88 for A is the correct answer. Reason is explaining the assertion. Assertion keh raha hai ki international organization play a very important role in maintaining the peace. Countries have conflict and differences with each other. बताओ भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. 89th का आंसर क्या होगा. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 89th क्वेश्चन. हाय राहुल वेलकम. 89th का क्या कह रहे हैं आप लोग, ए या बी? इसका राइट आंसर विल बी ए गाइस. जो बच्चे बी बोल रहे हैं इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स. देखो कंट्रीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिफरेंसेस हैं और इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेन करने के लिए पीस को. समझ में आया? सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है. ऑल राइट, सो कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर बिकॉज इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द पीस. अगले सवाल पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव वन वोट, हाउएवर द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर. द डिवेलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. बताइए. 90 क्वेश्चन का आंसर दे दो प्लीज. बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. नाइनटीथ क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर हेयर विल बी बी. इसका सही आंसर बी होगा. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये कह रहा है कि सोवियत यूनियन हैज बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल. रीजन कह रहा है कि सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सीबीएसई के सैंपल पेपर में बी है 89th का. लेट्स क्रॉस चेक इट वंस. एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. 90th क्वेश्चन ये कह रहा है विभूति कि सारे मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के पास एक वोट है, हाउएवर जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के वो नेगेटिव मैनर में मतलब वीटो पावर में भी वोट कर सकते हैं. और नीचे वाला उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपना अलग ही कुछ कह रहा है कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स. ओके, सो 91st क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. बी होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी. द सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट बन गया था इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, लेकिन उसका रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, क्योंकि सोशलिज्म की वजह से तो सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बना ना, स्टैग्नेंट नहीं बना ना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस में. तो इसीलिए इसका आंसर विल बी बी, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है. नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. बताइए. नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. कम ऑन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इसका राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल बी सी, क्योंकि यहां पे चीफ मिनिस्टर लिखा है, चीफ मिनिस्टर की जगह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, ये आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे करके देख लो या बताओ भाई, ऐसे करके देख लीजिए. बताइए बच्चा बाड़ी. तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना वो ये कह रहा है कि द फर्स्ट
The first United Nations General Assembly resolution of 1946 called for the elimination of atomic weapons and weapons of mass destruction. 1948, India was called for elimination of all the nuclear weapons and the use of nuclear energy only for peaceful purposes. What is the correct answer? 93rd question we are talking about. All right, Udit. Answer बता दो. B. The first United Nations General Assembly resolution in 1946 called for the elimination of atomic weapons and weapons of mass destruction. ठीक है, yes. B is the correct answer. B इसका ठीक answer है. क्या कह रहे हो? एक मिनट यार, शांति रख लो. तुम्हें मैं नहीं दिख रही तो तुम ऐसे कहते हो जैसे जैसे जीवन में तुमको मतलब एकदम मेरी शक्ल पूरा दिन देखते हो तुम लोग, और तुमको बहुत ज्यादा ऐसे लगाव हो गया मैं नहीं दिख रही तो. मेरी आवाज तो आ रही है तुम लोगों को? चुप कर जाओ. अब अगले क्वेश्चन पे आओ. अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया अपोजेज NNPT इन 1968 बिकॉज द ट्रीटी इज अनइक्वल. In 1974, India had carried out underground nuclear test for peaceful purposes. I don't know, Shakti. So, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. इंडिया अपोजेज NNPT बिकॉज द ट्रीटी इज अनइक्वल एंड इन 1974 इंडिया हैड कैरीड आउट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेज. हाँ उदित, सब याद है मुझे, चुप करो अब. हंसोगे यार, आंसर नहीं बताओगे बिल्कुल भी. बी होगा इसका सही आंसर. ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाओ. नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस फ्रॉम बोथ USA एंड USSR. द कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर. मैम पता है मम्मा पापा से ज्यादा टाइम तो आपके साथ बिता रहे हैं, लगाव तो होगा ना. सो ट्रू. मैं भी अपनी मम्मी पापा से ज्यादा टाइम तुम लोगों के साथ बिता रही हूँ. मेरे को भी तुमसे तुम लोगों से बहुत लगाव है. 95th क्वेश्चन. सी, कोल्ड वॉर हैज अफेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बी होगा इसका करेक्ट आंसर. ये वाला स्टेटमेंट हम लोग ट्रू एंड फॉल्स में करते हैं. ये वाला स्टेटमेंट जब ट्रू एंड फॉल्स में करते हैं तो ये हम ट्रू लिखते हैं ये वाला स्टेटमेंट को, रीजन वाली स्टेटमेंट को. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ वट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर एंड द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. पुनीत सब ठीक है दिमाग में? सनी वेरी फनी, सनी वेरी फनी. ओ माय गॉड, इट्स अ राइमिंग. टू 93rd क्वेश्चन बता दो. एक मिनट तानिया, बता रही हूं. नाइन्टी सिक्स का आंसर बता दीजिए पहले प्लीज, फिर उसके बाद 93rd क्वेश्चन समझा देती हूँ. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन टेंशन एंड सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन USA एंड USSR. इसका राइट आंसर विल बी ए. ठीक है, जिनको 93rd क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 93rd क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन हुआ था 1946 के अंदर, दैट कॉल फॉर एलिमिनेशन ऑफ अटोमिक वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ओके, जहां पे एलिमिनेट हुए थे अटोमिक वेपन्स एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को एलिमिनेट किया गया था 1946 का ये रेजोल्यूशन था. 1948 में इंडिया ने एलिमिनेट करे थे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को और यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पी, और इंडिया ने कहा था कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. तो ये दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में बोली गई, एक स्टेटमेंट इंडिया में बोली गई. तभी इसका आंसर बी होगा क्योंकि आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है. 93rd क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है. ठीक है जी,
अब चलते हैं और बात करते हैं 97th क्वेश्चन के बारे में. क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव वुड डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट 3 weeks आफ्टर यूएसए हैड प्लेस्ड द न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा. बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. जल्दी बताओ व्हाट इज व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. फटाफट से बताइए. इसका राइट आंसर विल बी सी. इसका राइट आंसर सी कैसे होगा. इसका राइट आंसर सी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे यूएसएसआर आना चाहिए था. बिकॉज यूएसएसआर के जो लीडर थे निकिता क्रुश्चेव ही प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा दैट एक्चुअली डबल द नंबर ऑफ सिटीज इन अमेरिकन मेनलैंड. सो रीजन फॉल्स है इसका. 98th क्वेश्चन पे आते हैं. 98th क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैम इसमें पोल के बिना मजा नहीं आता. स्पेशली आप प्लस क्लास भी ले लिया करो यार. पोल्स भी कर लेंगे मतलब कल. अच्छा हाँ कल तुम लोगों का क्लास है वैसे स्पेशल पे. मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ कीपिंग वन. सो टाइमिंग वगैरह सब मैं बता दूंगी ग्रुप पे. सो कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंसेज एंड द बैलेंस ऑफ पावर. दीज वर अकंपनीड बाय रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल. अ डिफरेंस ओवर बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. बताइए इसका आंसर क्या होगा. जल्दी बताओ. पता तुम लोगों को कितने पीछे चल रहे हैं मेरे कमेंट्स. जिंदगी में ऐसे ही तो पीछे रह जाऊंगी मैं. किस चीज का थैंक यू मैम. अगर यूएसएसआर होता तो क्या होता आंसर उसमें. अगर यूएसएसआर होता तब भी कोई रिलेशन नहीं था बीच में. So then also the right answer would have been B. 98th ka A? Yes, true, fine. A is the correct answer. 98th ka A hona chahiye. Chaliye, ab chalte hain aur baat karte hain 99th question ki. To 99th question aapka ye keh raha hai ki economic development was also vital for the independence of the new countries. Economic development jo hai wo bahut zaruri thi for the development or the independence of the new countries. Without sustained development, a country could not truly be free. It would remain dependent on the richer countries including the colonial powers from which political freedom has been achieved. Bataiye kya hoga iska right answer. बहुत लेट चैट पढ़ रही हैं आप. मैंने कमेंट एक मिनट पहले किया था. एक मिनट पीछे हो मैं लाइफ में. बताओ बताओ 99 का ए होगा. श्योर आर यू गाइस. श्योर पक्का. किसी को कोई परेशानी कोई दुख कोई समस्या. चलो ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर. द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी. बताइए बताओ बताओ. पता है तुम्हारा कल का काम है जो आज कर रहे हैं हम लोग. कल का काम है ये. अभी तक ये सारा कल का काम कर रहे हैं आधे घंटे से पिछले. और अब परसों का काम करेंगे हम लोग. रुको तुम जरा. सो ट्रू स्वामी. इतना सरकैज़म कहाँ से लाती हो आप. ये सब अनअकैडमी पे एक डेढ़ साल पढ़ाने का वो है. क्या कह रहे हो. सी द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिविलियन प्रॉपर्टी. जी सी इज द राइट आंसर. क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था. यस आर इज फॉल्स. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टर्म्स में अगर हम देखें तो आर जो है वो आपका False है. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. अब ना ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. ये सारी चीजों के रिकॉर्डेड सेशंस हैं. ये सब कुछ कर चुके हैं. इसको सबको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछली क्लासेस में. ये सारा ऑलमोस्ट पीडीएफ में डिस्कस करवा चुकी हूँ. एसर्शन रीजनिंग बचा है पिछले से पिछले पीडीएफ का जो तुम्हारा रहता है. चलो उस पर आओ फटाफट. सो आई थिंक उसका भी हमने. चलो कोई बात नहीं शुरू से कर लेते हैं. यूएसएसआर केम इन टू बींग आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन. ओके यूएसएसआर जो है दैट केम इन टू बींग आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म एंड अपोज्ड बाय कैपिटलिज्म. बताइए
यार बता दो। सेवेंटी थर्ड का आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न कंट्रीज ज्वाइन ईस्टर्न ब्लॉक। कोई सेंस है इस बात की? नॉनसेंस क्वेश्चन है ये। मैं इस क्वेश्चन को ही कैंसिल करती हूँ। इसका आंसर होगा सी। ओके इसका रीजन जो है ये फॉल्स है। ठीक है। मेरे फोन की बैटरी भी डाउन होने वाली है नेहा। सो व्लादिमीर लेनिन डाइड इन 1924 एंड स्टालिन केम टू पावर इन 24। इस पे तुम लोग मेरे से लड़ते हो और इसका राइट आंसर इज ए, बट तुम लोग कहते हो कि इसका राइट आंसर इज बी। जीवन एक संघर्ष है। चैट नहीं आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 76 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो ये कह रहा है कि जोसेफ स्टालिन पीरियड सॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर। हिज पीरियड वाज नोन एज ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। ओके सो क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? जोसेफ स्टालिन का जो पीरियड था दैट वाज मार्क्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर एंड इनका पीरियड को माना जाता है एज ग्रेट टेरर ऑफ 1930s। इसका राइट आंसर क्या होगा? या जब तुम आंसर बता रहे हो तो इतना नहीं लिखा जाता तुम लोगों से कि 76 का आंसर जो है वो ये है। प्लीज नंबर डालो क्वेश्चन का। ऐसे बिल्कुल ए बी सी डी किसका बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं आता। बी होगा इसका राइट आंसर। बात तो जोसेफ स्टालिन की ही हो रही है लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात हो रही है जो डिफरेंट था जोसेफ स्टालिन के एरा में, और एक ग्रेट टेरर की बात हो रही है दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट। सो दैट इज देयर। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड यूएसए बिकेम द ओनली अ पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बताइए। कोल्ड वॉर केम टू एन एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड यूएसए बिकेम द ओनली पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। सेवेंटी सेवन का क्या आंसर होगा? ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइंड नेटो एंड इट वॉज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय यूएसए। मेनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइंड नेटो एंड इट वॉज अ मिलिट्री अलायंस दैट वॉज सेट अप बाय यूएसए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेटो वॉज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट वॉज फाउंडेड इन अप्रैल 1949। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। शॉक थेरेपी वॉज अ ट्रांजिशन ऑफ कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म रिजल्टेड इन द शॉक थेरेपी। बताइए। 77 का ही आंसर बताई जा रहे हो तुम लोग। मैं किसी और का फोन लेके बैठूंगी यार कल से। बहुत ज्यादा ड्रामे हो रहे हैं इसमें। मैम जीवन ये है संघर्ष करते रहोगे तो ये सही बात है। सेवेंटी नाइन। शॉक थेरेपी वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म रिजल्टेड इन शॉक थेरेपी। ए इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू द शॉक थेरेपी द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन एंड द रूबल इज नॉट द करेंसी ऑफ यूएसएसआर। ड्यू टू शॉक थेरेपी द वैल्यू ऑफ रशियन रूबल डिक्लाइन एंड रूबल इज नॉट द करेंसी ऑफ यूएसएसआर। एटीएथ क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर। रूबल इज द कर वॉज द करेंसी ऑफ यूएसएसआर। सो इसका राइट आंसर आर जो है इसका वो फॉल्स है। ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इंडिया मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. बताइए. मैम 77 का ए कैसे होगा? पावरफुल कोल्ड वॉर केम टू एन एंड बिकॉज यूएसए बिकेम ओनली सुपर पावर. 77 में इतना डाउट क्यों है तुम लोगों को? कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. यूएसए बिकेम द ओनली सुपर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड. या राइट, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर गाइज. आई थिंक मैंने पिछली बार भी ए करवाया था शायद, तो इसका राइट आंसर बी होगा क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन तो रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन. ओके, तो दे आपस में बिल्कुल डिफरेंट है. कोल्ड वॉर केम टू एन एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. यस, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी. ठीक है. 81st का क्या बोल रहे हो? बी, इंडियाज रिलेशंस विद रशिया इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री. ठीक है जी, बी ठीक है. बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन 1961. जर्मनी वॉज द फ्रेंड ऑफ अलाइड कंट्रीज. जर्मनी वॉज द फ्रेंड ऑफ अलाइड कंट्रीज. बताइए बताइए क्या होगा. 82nd का सी, जर्मनी वॉज अ फ्रेंड ऑफ अलाइड कंट्रीज. फॉल्स है ना, क्योंकि जर्मनी जो है दैट वाज वो एक्सिस कंट्री का पार्ट था. एक्सिस कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक्सिस में आपकी जर्मनी आती है, एक्सिस पावर में आपकी जर्मनी आती है, आपका इटली आता है, और क्या आता था? जापान आता था. ठीक है, तो ये एक्सिस पावर का पार्ट थे. यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वॉन्ट इंप्रूवमेंट्स इन यूनाइटेड नेशंस बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसी. क्या होगा भाई, बताओ, ए बी सी या डी? राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी. 83rd क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी होगा. ओके, बिकॉज देर इज नो रिलेशन बिटवीन द बोथ. ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल आपका ये कह रहा है कि इन द सिक्योरिटी काउंसिल देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. चार्टर गेव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज पोजिशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. बताइए. द सिक्योरिटी काउंसिल देयर हैज देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर्स अ प्रिविलेज पोजिशन टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. 84th क्वेश्चन. एटी फोर्थ का राइट आंसर विल बी बी. देर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट कोई रिश्ता, कोई ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है इनके बीच का. ठीक है, सो दैट इज वॉट. उसके बाद आ जाओ अगले सवाल पे. अगला है 85th क्वेश्चन, जो कह रहा है कि वी शुड कीप इन माइंड दैट द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एक्सपैंडेड फ्रॉम 11 टू 15 इन 1965. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स नाउ आर डेवलपिंग कंट्रीज. बताइए बताइए. बताओ जल्दी मैम. क्वेश्चन नंबर 80 का बी होगा बिकॉज रूबल इज अ करेंसी ऑफ रशिया. सृष्टि, इट वॉज अर्लियर करेंसी ऑफ यूएसएसआर ऑल्सो. अरे बाद में हंस लेना, आंसर दो यार पहले. हे मेरे भगवान, मैंने क्यों बोला इसका? अनुपमा जाग गया. एटी फिफ्थ का आंसर क्या है? बी. यस, बिकॉज देर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू. 85 का सी बोल रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स आर नाउ डेवलप.
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें क्या है? ये आंसर भी सही है, सी द लास्ट वाला स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपने कश्मीर इशू टॉपिक करा दिया, उसके लिए एक नई क्लास पब्लिश कर दी है, आज परसों होगा उसका। ये बेटा इसका सही आंसर विल बी बी, ओके, नो रिलेशन बिटवीन द टू। सो इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1957, द IAEA टीम्स डिड नॉट इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बींग यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेज। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 11:30 क्लास खत्म हो जाएगी मुस्कान। यार साहिल मेरे को गिल्ट मत दो यार, चुप कर जाओ। ऐसा लग रहा है तुम अगले जन्म पहुंच गए हो, मैं अभी बची हुई हूं, मैं अभी आ रही हूं तुम्हारे पीछे पीछे। 86 का सी विल बी द राइट आंसर। सी कैसे राइट आंसर होगा? क्योंकि रीजन जो है बचा वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है IAEA टीम्स डिड नॉट नहीं होगा, IAEA वाली जो टीम है वो इंस्पेक्ट करती है न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो इंश्योर करती है कि कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल मिलिट्री न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पजेस के लिए नहीं कर रही है। ठीक है जी, सो इसीलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 51 स्टेट्स। कम ऑन टेल मी। कौन है ये लीडर बोर्ड वाले बच्चे? तुमको यहां मजाक चल रहा है, इधर कोई मजाक चल रहा है, इधर चुप करके पढ़ाई करो यार। The biggest discussion has been on the functioning of the Security Council. The organization was set up with signing of the United Nations Charter by 51 countries. The right answer to this question will be B, because there is no relation. United Nations was created for peaceful building committee. अब से पोल मेंटी में लेना, ऐसे सूखे सूखे मजा नहीं आ रहा। नहीं यार मेंटी में पता है क्या है, मेंटी में ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक घंटे के अंदर 25-30 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज कर सकते हो, एंड दैट उसमें लीडर बोर्ड दिखाओ, फिर उसके इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसके अंदर तुम्हारा वो रेस नहीं है कि कौन किससे आगे और कौन किससे पीछे है, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली गेटिंग सॉल्व। आज हमने 2 घंटे की क्लास में कम से कम भी 120 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, सो दैट इज देयर। चलो 88 क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो ये कह रहा है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट सेट्स रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। कम ऑन टेल मी। The World Trade Organization is an international organization that was set up in the international organization in, and it sets rules for global trade. A is the correct answer. Next question. Only the permanent members of Security Council possess the veto power. One veto can stall a Security Council resolution. Only the permanent member of Security Council possesses a veto power. One veto can stall a Security Council resolution. A is the correct answer. ये जो reason है वो कह रहा है कि एक veto से पूरा का पूरा decision वहीं का वहीं still हो सकता है, okay? वो खत्म कर सकता है एक particular decision। अगर एक decision लिया जा रहा है और अगर एक भी country पांचों में से अपना veto power इस्तेमाल कर देती है तो वो decision वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, ओके? उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर्स ऑफ ऑल द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 91 का। तुम लोगों को बिग बॉस की आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो प्लीज इग्नोर करना।
91st का क्या कह रहे हैं आप लोग? सी, द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ये बिल्कुल बेकार स्टेटमेंट है. जनरल असेंबली के मेंबर्स मतलब 193 मेंबर्स के सारे ऑर्गन्स के मेंबर्स होते हैं? नहीं. ओके, सो दैट इज वॉट की दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ऑर्गन्स और ऑफ द जनरल असेंबली. सो सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, एसर्शन कह रहा है आपका कि द पार्टीशन ऑफ द कंट्री प्रूव्ड एवरीवन्स वर्स टीयर्स. देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. नाइन्टी सेकेंड का क्या कह रहे हैं आप लोग? बी, दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ यूनिफॉर्म मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया. देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन वॉज इन वेस्ट एंड द अदर वॉज इन ईस्ट. बताइए. नाइन्टी का बी होगा. नहीं, एक्सप्लेन कर रहा है यार, एक्सप्लेन कर रहा है नीचे वाला रीजन, एक्सप्लेन कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर को. नाइन्टी थर्ड का आंसर बता दो. बी इज द करेक्ट आंसर. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द राइटर्स पोएट्स फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज ऑफन यूज द फ्रेज डिवीजन ऑफ हार्ट्स टू डिस्क्राइब द पार्टीशन. मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड टू नेशन थ्योरी दैट द ब्रिटिश डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ वन बट टू पीपल. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज याद रखिएगा इसको. दिव्या मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर रही हूँ. 91st क्वेश्चन. 94th का आंसर दीजिए. 94th में बोला जा रहा है बी होगा इसका करेक्ट आंसर. इसमें बोला जा रहा है कि जो राइटर्स पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज इस्तेमाल किया, वो था डिवीजन ऑफ हार्ट्स. मुस्लिम लीग जो है दैट पुट फॉरवर्ड टू नेशन थ्योरी. ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं आपस में, लेकिन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू. जिन बच्चों को 91st क्वेश्चन में डाउट है ये क्वेश्चन का सी कैसे होगा, तो ऊपर बोला जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करी गई हैं बाय द मेन ऑर्गन्स एंड द स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. ये ठीक है बिल्कुल. दूसरा कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, मतलब 193 मेंबर्स है ना जनरल असेंबली के सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 193 मेंबर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाते हैं. मतलब कि 193 के 193 मेंबर्स यूनेस्को का भी पार्ट है, यूनिसेफ का भी पार्ट है, इकोसॉक का भी पार्ट है. बट ये गलत हो गया ना. सो दैट इज व्हाट की सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. ठीक है, 11:30 तक है सनी क्लास. रीजन में ब्रिटिश है, पर टू नेशन थ्योरी दैट ब्रिटिश डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ वन बट टू पीपल. अच्छा, ये ब्रिटिश इंडिया कहना चाह रहे होंगे कि ब्रिटिश इंडिया डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ वन बट टू पीपल. ओके, अगर सिर्फ ब्रिटिश कह रहे हैं तो फिर सी इसका आंसर होगा. ठीक है, आई थिंक कुछ इसमें मिसिंग है, इसीलिए इसका आंसर जो है, अगर इंडिया है, अगर ब्रिटिश इंडिया बोला जा रहा है तो बी है, नहीं तो इसका आंसर सी है. ओके, चलिए अब चलते हैं और आते हैं 95th क्वेश्चन पे. 95th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द रूलर ऑफ त्रिवानकोर डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड निजाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे. विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द प्रिंसली रूलर्स ऑल्सो केम टू एन एंड. टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. बताओ बताओ. 95th क्वेश्चन. 95th का क्या कह रहे हो? डी.
आदित्य डी कैसे? चेतन का अलग है, चेतन कह रहा है सी। सही तो है, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। रूलर ऑफ त्रिवेंकोर ने डिसाइड किया था टू स्टे इंडिपेंडेंट, और निजाम ने भी ऐसा सिमिलर अनाउंसमेंट किया था अगले दिन। कैसे डी आदित्य? बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एसर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। एसर्शन आपका कह रहा है कि इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। रीजन कह रहा है दैट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैज हेल्प अलॉट इन इंस्टिलिंग द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन द इंडियन पब्लिक। नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन। मैम 12 बजे तक ले लो क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बी कैसे भैया? इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हेल्प अ लॉट ऑफ इन इंस्टिलिंग द फीलिंग ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन पब्लिक। सो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, एंड दोनों स्टेटमेंट जो है बट रिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ। 97th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेहरू जो है बिलीविंग इन सेक्युलरिज्म सपोर्टेड द डिक्लेरेशन दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, एंड अ सेक्युलरिस्ट स्टेट मीन्स दैट द स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड विल ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। नेहरू बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट बाय मेकिंग इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बट यही सच है आदित्य। 96 का आर फॉल्स होगा। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हैज हेल्प अ लॉट इन इंस्टिलिंग द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म है ना। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? रीजनलिज्म का मतलब होता है कि यू हैव अ फीलिंग ऑफ कि अच्छा, ये दिस टेरिटरी इज आर इंटीग्रिटी। ये रीजनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि दिस कंट्री इज आर्स एंड वी आर द वंस नाउ हु आर द एक्चुअल होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री। So that feeling was installed. 97 का राइट आंसर विल बी ए गाइज। ओके, सो क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है assertion को। मैंने बहुत सारे assertion रीजन आपको करवा दिए हैं, प्लीज इनको मैंने आपको इस ये सबके PDFs आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, तो इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज। ओके, और कल सुबह तुम्हारा 12 बजे क्लास है टाइमलाइंस पे। ओके, और वो पूरी की पूरी टाइमलाइन, पूरी किताब फर्स्ट बुक की होने वाली है। जो पूरी फर्स्ट बुक है उसके कोल्ड वॉर एरा की टाइमलाइन करेंगे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टाइमलाइन करेंगे, और आपका यूनाइटेड नेशंस का टाइमलाइन करेंगे। ओके, सो दैट्स द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इमर्ज्ड एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बताओ 98 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर शुड बी? ए और बी, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन द राइट आंसर शुड बी क्या? आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अगर देखो, अब यहां पे अगर आर में ये गिवन होता कि बीइंग द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और बीइंग द होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या अचीवमेंट्स करी, ओके, देन आर वुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग द असर्शन। समझ आया? यहां पे उससे पहले की बात हो रही है, तो इसीलिए दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर टुडे। सो बेसिकली आपका assertion कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज एन आउटकम ऑफ टू नेशन थियोरी, पंजाब एंड बंगाल विद द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज एन आउटकम ऑफ टू नेशन थियोरी एंड पंजाब एंड बंगाल विद द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मैम आपको तो सपने भी हमारे ही आते होंगे यार। आंसर दो। तो मेरे को तुम्हारे सपने नहीं आ रहे, तुम्हारे पॉल साइंस के पेपर के सपने आ रहे हैं।
99 का राइट आंसर विल बी बी बिकॉज द स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Princely states covered 1/3 of the land area of the British Indian Empire. Some of the princely states clearly wanted to become a part of Indian Union. Bataiye. बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. शुभम ऑन द ग्रुप दैट आई हैव गिवन यू ना द लिंक जो मैंने ऊपर पिन कर दिया है उस पे. अरे 100 का आंसर ही नहीं आ रहा, मेरे को गुस्सा आ रहा है. जल्दी दो आंसर. बी द प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. नॉट एक्सप्लेनिंग बट ट्रू. ठीक है. सो यस 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 यस. So is it clear with everyone? So with this, I think I would be ending the session over here. And thank you so very much for joining. क्या बोल रही थी मैं. Yeah, guys, please make sure that you're liking the video. अगर आप लोगों ने अभी तक, if you guys haven't hit on the like button, please make sure कि आप video को like कर रहे हैं. You're sharing the video with your friends and everyone all along. And do not forget to subscribe if you guys haven't. Alright, thank you so much for joining and it was so great having all of you people. Thank you so much. Good night. Take care and kal subah 12 baje aap logo ka class hai. Subah nahi, matlab 12 in the noon. Okay, so please make sure that every one of you guys are joining and I'm going to see you guys super soon. Aap ghar mein apni mummy se bhi aise hi poochte hoge na kya? मैं तो चलो पूछ के छूट जाऊंगी ना. तुम लोग आई थिंक यही पूछ दोगे क्योंकि तुम्हारे उसमें यही चल रहा है. चाहे पॉल साइंस ले लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ए बी सी डी ही चल रहा है तुम्हारा. चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. सी यू गाइस सुपर सून. टेक केयर. थैंक यू सो मच.